लगातार 3 दिनों से जारी बारिश ने बैजनाथ उपमंडल के कई संपर्क मार्गों का हाल बदहाल हो चुका है। उपमंडल के गांव लघु में जमरेला गांव की ओर जाने वाला सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण गांव वासियों को बांध से बने अस्थायी पगडंडी से मजबूर होकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि आजादी के बाद इस गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए पिछली सरकार ने विजिट का प्रावधान करने के बाद काम शुरू करवाया था, लेकिन विभाग व ठेकेदार लच्चर कार्य प्रणाली से सड़क में लगाए गए डंगा पहली बरसात सहन नहीं कर पाया और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण लघु जमरेला सड़क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि इस संपर्क मार्ग के टूटने से गांव में रहने वाले कई परिवारों के बच्चे रोजाना इसी मार्ग से स्कूल कॉलेज जाते हैं, उन्हें आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामवासियों का कहना है कि अभी कुछ ही माह पूर्व सड़क किनारे डंगों का निर्माण किया गया था, लेकिन पहली बरसात ने ही डंगे को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि ठेकेदार ने इसके निर्माण कार्य में किस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल किया है। उन्होंने विधायक व प्रशासन से ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। विधायक मुल्कराज प्रेमी ने कहा कि मार्ग को दोबारा उसी स्थान के बजाय करीब आधे किलोमीटर पीछे पुल से गांव को जोड़ने से समस्या का स्थायी समाधान हो पाएगा। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि लोगों को पैदल चलने के लिए लोहे का रास्ता बनाकर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। वहीं उन्होंने ठेकेदार द्वारा किए गए डंगे निर्माण के विरुद्ध जांच के निर्देश भी दिए हैं। चलो, बड़े दुखदायी घटना है कि अब एक आजादी के बाद यहाँ पर सड़क नहीं थी जी सर, जब ये सड़क बनी जी और जनता को समर्पित होने वाली थी जी, मगर आज दुर्भाग्य ये समझिए कि भारी बारिश के कारण जो आज ये रोड पूरा बह गया है जी सर, जिसमें जनता में काफी सर, ये जो RCC डंगा लगा हुआ था ये जो गिर गया है, इसके ऊपर जो ठेकेदार ने काम किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? चलो देखो, ये तो निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट इसको खुद देखेगा, इसके SDM महोदय भी इसको पूरे इसमें देखेंगे कि क्या इसमें क्या था जी, कि अगर इसमें कोताही बरती जाती है तो ये तो बख्शने वाला कोई काम नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जयराम जी की सरकार इसमें पहले ही है कि भ्रष्टाचार कहीं बर्दाश्त नहीं किया जी सर।